हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ, जो कि NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड काकरापार गुजरात से आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाई वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। होम पेज पे ही करियर सेक्शन में क्लिक करने के बाद वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स आपको सेकंड नंबर पे मिल जाएगी। रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग पैरामेडिकल एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पर गुजरात से आउट की गई है। 6 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी 2023 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से आप ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक दिया गया है, तो डिटेल्स डाउनलोड करके देख लेते हैं क्या डिटेल्स यहां पर दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, वैकेंसी में आगे बढ़ने से पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लेते हैं। यहां पर U401044MH198700GOY149458 ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है। परमानेंट पोजिशंस के लिए वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 6 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड पोस्ट देख लेते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट सी सेफ्टी सुपरवाइजर में यहाँ पर 2 वैकेंसी है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी डिप्लोमा होल्डर सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी 2 वैकेंसी है। एंड स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी फर्स्ट में यहाँ पर मैकेनिकल ट्रेन में 21 है, इलेक्ट्रिकल में 13 है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 4, इलेक्ट्रॉनिक्स में 13 है, केमिकल में 8 वैकेंसी है। एंड स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट साइंस ग्रेजुएट के लिए केमिस्ट्री में 3, फिजिक्स में 6 वैकेंसी है। एंड नेक्स्ट है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन कैटेगरी सेकेंड में प्लांट ऑपरेटर में 59 वैकेंसी है, जबकि स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन कैटेगरी सेकेंड मेंटेनर में यहां पर फिटर में 31, इलेक्ट्रिशियन में 12, इलेक्ट्रॉनिक्स में 12, इंस्ट्रूमेंटेशन में 4, वेल्डर में 1, मशीनिस्ट में 6, टर्नर में 5, एसी मैकेनिक में 2 वैकेंसी दी गई है। नर्स में फीमेल के लिए 2, मेल के लिए 1 वैकेंसी है। फार्मासिस्ट में 1 है। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट में 12 वैकेंसी है। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट में यहाँ पर भी आपका 7 वैकेंसी है। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट या एमएम में 5 है। स्टेनो ग्रेड में 11 वैकेंसी है। टोटल 243 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप यहाँ से देख सकते हैं। एनपीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी यहाँ पर रिजर्व है, जो कि 6 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है। तो आप यहाँ से डिटेल्स को देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या बीएससी कम से कम 50% मार्क्स के साथ में मांगा गया है। इसके अलावा आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इंडस्ट्रियल सेफ्टी में होना चाहिए। एंड इसके अलावा आपके पास 4 ईयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट बी में सिविल इंजीनियरिंग में, यहाँ पर बीई या बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में मांगा गया है, कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग में यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर्स की बात करें तो 10+2 के साथ में 2 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया है, कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन केमिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए। एंड स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंस ग्रेजुएट के साथ में बीएससी कम से कम 60% मार्क्स के साथ में मांगा गया है। एंड बीएससी आपका प्रिंसिपल सब्जेक्ट या मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, स्टैटिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में, या आपके पास सब्सिडरी सब्जेक्ट है केमिस्ट्री के साथ में फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस में, या आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्सिडरी सब्जेक्ट है मैथमेटिकल आपके पास 10+2 में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन में कैटेगरी सेकेंड प्लांट ऑपरेटर में 10+2 के साथ में आपके पास 10+2 लेवल में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए।
एंड नेक्स्ट है स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग टेक्नीशियन कैटेगरी सेकंड मेंटेनर में, यहाँ पर एसएससी के साथ में यहाँ पर मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट के साथ में मैथमेटिक्स होना चाहिए। साथ ही 2 ईयर्स का ITI कोर्स मांगा गया है फिटर में, इलेक्ट्रिशियन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, वेल्डर में, मशीनिस्ट में, AC रिपेयर एंड टर्नर ट्रेड में मांगा गया है। नर्स के लिए आपके पास 10+2 के साथ में डिप्लोमा इन नर्सिंग मिडवाइफरी में होना चाहिए, अगर आप BSc नर्सिंग है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास एक्सपीरियंस भी 3 साल का मांगा गया है, ये होना चाहिए। फार्मासिस्ट बी के लिए 10+2 के साथ में डिप्लोमा इन फार्मेसी भी मांगा गया है, साथ ही 3 मंथ का ट्रेनिंग फार्मेसी में मांगा गया है, आपका रजिस्ट्रेशन भी फार्मेसी काउंसिल में होना चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट में, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट F&A में, HR में, CNMM में, यहाँ पर आसुलिपिक यानी स्टेनो ग्रेड फर्स्ट में, सभी में आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है। एंड इसके अलावा आपके पास यहाँ पर टाइपिंग स्पीड मांगी गई है, कंप्यूटर कोर्स भी मांगा गया है, स्टेनोग्राफी की स्पीड भी मांगी गई है। स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग टेक्नीशियन प्लांट ऑपरेटर के लिए आपके पास कम से कम 40% मार्क्स के साथ में 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए, जबकि स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग कैटेगरी से के मेंटेनर में आपके पास 10+2 के साथ में ITI आपके संबंधित सब्जेक्ट में होना चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट HR में, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट F&A में, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट CNMM में आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि आप BCA है तो अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट सेफ्टी सुपरवाइजर में लेवल 7 की सैलरी है, एंड साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल इंजीनियर के लिए लेवल 6 की सैलरी यहाँ पर दी गई है। 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से समय फॉलो होगा। स्टाइपेंडेड ट्रेन डिप्लोमा में एंड साइंटिफिक ग्रेजुएट में यहाँ पर 18 से 25 साल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 6 की सैलरी है। प्लांट ऑपरेटर के लिए एंड मेंटेनर के लिए 18 से 24 साल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 3 की सैलरी है। 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड आपका यहाँ पर होगा। नर्स के लिए लेवल 7 की सैलरी है। फार्मासिस्ट के लेवल 5 की सैलरी है, जबकि असिस्टेंट में यहाँ पर लेवल 4 की सैलरी सबमिट दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो साइंटिफिक असिस्टेंट सी सेफ्टी सुपरवाइजर, साइंटिफिक असिस्टेंट बी में स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग के लिए रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होगा, जबकि यहाँ पर आपके स्टाइपेंड ट्रेनिंग के लिए प्री एंड मेंस के अलावा आपके पास यहाँ पर स्किल टेस्ट के बेस पर ही सिलेक्शन होने वाला है। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक वेबसाइट पर दिया गया है, जो कि 6 दिसंबर यानी कल से एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप वहां से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।